हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल अर्पणा विद लवली फैमिली। और मैं हूँ अर्पणा, आप सबके दोस्त। तो आप सब लोग कैसे हैं? ज़रूर अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ रेसिपी की, वो है फिश की रेसिपी, जो बंगाल स्टाइल में है एंड बहुत ही ईजीली एंड टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, बहुत ही यम्मी। दो चार फ्रेंड लोगों की रिक्वेस्ट थी फिश की रेसिपी देखना है, तो इसलिए आज फिश का रेसिपी मैं चैनल में डाल रही हूँ। मैंने मीडियम साइज की फिश की पीसेस ली हूँ और वो हल्दी और नमक से मैरिनेट करके इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लिया हूँ। आप ग्रेवी के लिए दो बड़ा साइज टमाटर, करी पत्ता, ग्रीन चिली और थोड़ी सी कलिंजी और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड और 2 टेबलस्पून खसखस की एक स्मूथली पेस्ट। आप कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल के, मैं ऑयल को गरम कर लिया हूँ। अभी कलंजी मैंने दे दिया और फिर 2 टमाटर इसमें ऐड करूँगी और टमाटर में थोड़ी सी नमक डाल दूँगी और इसमें ऑयल में आधा करी पत्ता भी मैं ऐड कर दूँगी। मैं सॉल्ट, इस सॉल्ट की वजह से टमाटर एकदम गल जाएगी। आप इसको ढक्कन के साथ मैं कुकिंग करूंगी तो टमाटर एकदम गल जाएगी। तो देख लिया, टमाटर एकदम स्मूथली पेस्ट बन गई है। आप इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और साथ में रेड मिर्च पाउडर। थोड़ी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे तीखा बहुत पसंद है। और शुगर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून से भी कम और ग्रीन चिली मैं डाल दिया। अभी इसको पकने दे दूंगी 2 मिनट्स के लिए। फिर वो मस्टर्ड सीड और खसखस का जो पेस्ट है इसमें मैं डाल दूंगी। तो पेस्ट मैंने डाल दिया, तो अभी इसमें थोड़ी उबाल आ जाए तो मैं फ्राई, जो फिश मैंने फ्राई करके रखी हूँ वो इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। तो ग्रेवी एकदम उबाल आ गया और मैं सारे फिश को एकदम फ्लावर की तरह सजा दिया। तो अब थोड़ी पक जाए फिर बाकी की प्रोसेस मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फिश की ग्रेवी थोड़ी सी सूख गई है। अभी जो आधा करी पत्ता थे वो इसमें ऐड कर दिया हूँ क्योंकि इसमें स्मेल बहुत अच्छे से आएगा। और अभी ये रेडी है ग्रेवी, तो रॉ मस्टर्ड ऑयल इसमें मैं ऐड करूंगी। एकदम रेडी है। अभी तो एक डिश में मैं निकल लेती हूँ कढ़ाई से। और प्लीज़ आप सब लोग घर में एक बार ट्राई करके मुझे बताएंगे कैसे लगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगा है, तो आप लोगों को भी अच्छे लगेगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जो भी न्यू है मेरे चैनल के लिए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।